राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अल्लाह मारता है। अब तुझे अल्लाह भी नहीं बचा सकता। मैंने क्या किया है? इतने बेकसूर मासूम लोगों की जान लेने के बाद पूछता है कि मैंने क्या किया है? इस दुनिया में सब शिकार है और सब शिकारी कोई बेकसूर नहीं है। वो जो बुजदिल नेताओं को वोट देते हैं उनसे लड़ाई, जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं उस पैसे से तेरे जैसों की मिलिट्री बनाकर गवर्नमेंट हम जैसों को मारने के लिए भेजती है, और तेरे जैसे उनके ऑर्डर पे कुत्तों की तरह दुम हिलाते हैं और हमें काटने चले आते हैं। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, हर काम मेरा मुकम्मल, हर सांस आजाद। मैं अपनी हर चीज की उठने बैठने सांस लेने तक की वजह बता सकता हूँ। हाँ, तू बता सकता है? अगर तू अपने देश के लिए लड़ रहा है तो पहले मुझे ये बता कि तेरा देश है क्या? तेरे सीनियर अफसर, तेरी पुश्तिल गवर्नमेंट जो तुझे तनख्वाह देती है, या वो बेकसूर जनता जिनको तू जानता ही नहीं, जो तुझे नहीं जानते, जिनसे तू आज तक नहीं मिला, जिनको तेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता? किस चीज से प्यार करता है? मैं जानता हूं तू नहीं जानता, क्योंकि ये सवाल तूने आज तक अपने आप से पूछा ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा दिव्या कि उस दिन सुल्तान ने जो भी कहा वो सब सच था। ये भी नहीं कह रहा कि सुल्तान सही है या मैं गलत हूँ। हम कहते हैं कि सुल्तान बुराई के साथ है, अच्छाई और बुराई का फैसला करता कौन है? और फिर क्या अंतर है उसमें और मुझमें? वो भी लोगों की जान लेता है और मैं भी लोगों की जान लेता हूँ। एक अंतर है, जज्बा, जो मैंने देखा था उसकी आंखों में।
उसकी हर बात में हर चीज में कमिटमेंट थी, एक जज्बा था। मुझे सीनियर ऑफिसर्स का ऑर्डर आता है, गोली चला और मैं ट्रिगर दबाता सिर्फ एक बंदूक हूं मैं, जिसका खुद का कोई दिमाग नहीं, खुद की कोई वजह नहीं, जिसे कोई और चला रहा है। मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कोई मकसद ही नहीं है दिव्या। सुल्तान के पास मकसद है और तुम्हारे पास नहीं? दिव्या, मैं उनके लिए जीना चाहता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। अगर सब लोग तुम्हारे जैसे सिर्फ अपने लिए, सिर्फ खुद के लिए सोचने लगे तो इस समाज का, इस दुनिया का क्या मतलब रह जाएगा? हम इस बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है, तुमसे कहीं ज्यादा इन चीजों को मैं बेहतर समझता हूँ। तुमसे और बिंटी से बढ़कर कुछ भी नहीं। مسلسل انجام ہے، یہ قتل و عام اور یہ دھماکے اب نہیں رکیں گے۔ میں بس اب ہندوستان کی عوام اور ہندوستان کی گورنمنٹ کے نمائندوں کو موت دیتا رہوں گا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہی تو بات ہے، اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے بارے میں سوچ کر اپنا موڈ خراب کرنے کا کیا مطلب؟ چینل بدلو اور ایم ٹی وی دیکھو۔ احمد حسین، ممبئی پولیس اسپیشل سیل۔ گاڑی میں کافی پی رہا تھا۔ ایکچولی آئی ڈونٹ مائنڈ ون مور، تھینک یو۔ ملٹری انٹیلیجنس ونگ سے آپ کے بارے میں پتا چلا، تم تو جانتے ہو کہ دلی میں کیا ہوا، بلاسٹ میں کچھ 100 لوگ مرے۔ اس سے میرا کیا لنک ہے؟ سلطان، دیویا جی، میں ان سے کچھ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بلاسٹ کے وقت سلطان دلی میں ہی تھا، خود کا آپریشن سپروائز کرنے کا بڑا شوق ہے اسے۔ صرف ایک ہی لنک ملا ہے، پچھلے دو بلاسٹ میں ہم نے جن آدمیوں کو گرفتار کیا ہے وہ آر ڈی گینگ کے لیے کام کرتے ہیں۔ زیادہ تر ٹیررسٹ باہر دیش کے ہیں، اس لیے انہیں جو گراؤنڈ سپورٹ چاہیے، مطلب ایکسپلوزیو سمگل کرنا، ان لوگوں کے لیے یہاں رہنے کا انتظام کرنا، یہ سب آر ڈی کرتا ہے۔ ہم نے سوچا اگر ٹیررسٹ انڈر ورلڈ کا راستہ لے کے ہم تک پہنچ سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم اسی راستے سے ٹیررسٹ تک پہنچ جائے۔ اس لیے ہم نے بہترین آفیسر سدھاکر راوڑے کو انفارمنٹ بنا کے آر ڈی کے گینگ میں بھیجا اور اس نے واپس بھیج دیا۔ راوڑے کا سر۔ راوڑے کے بارے میں آر ڈی کو اس لیے پتا چلا کیونکہ ہمارے پری ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آر ڈی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس لیے میرا نیا آئیڈیا یہ ہے کہ کسی ایسے آدمی کو بھیجوں جو پولیس والا نہ ہو۔ اور آپ چاہتے ہیں اس آدمی کو اس مشن کے لیے میں ٹریننگ دوں؟ نہیں، میں چاہتا ہوں تم خود جاؤ۔ میں کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس کمانڈو کی ٹریننگ ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے اشاروں پہ سلطان اور آر ڈی کے لیے اپنی فیملی، اپنی لائف چھوڑ کر ایک کرمنل کی طرح جیوں؟
एक तरह से सुल्तान को पकड़ने के लिए खून खराबा करने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं मुझे। आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आर्मी में बहादुरी के लिए इतने मेडल्स जीत चुके हो तो डरपोक तो नहीं कह सकता तुम्हें। कहेंगे भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम काम नहीं करोगे? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? तुम जैसे नकारा लोगों को धमकाने से भी क्या फायदा? देखिए, मैं आर्मी छोड़ चुका और अब एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। दिल्ली में जो मरे वो आम लोग ही थे। हाँ, तुम्हारे कर्नल ने बताया कि कंट्री से ज्यादा तुम अपने फैमिली को इंपॉर्टेंट मानते हो। अमन, तुम्हारे सोच के दायरे में अंतर है, लेकिन कई बार हालात अपनी सोच को बदल देते हैं और शायद यही मौका है, यही मौका है। हाँ, तुम अगर सोचने के लिए वक्त चाहते हो तो ले लो। नो, आप टेररिज्म से लड़ना चाहते हैं, गुड लक टू यू। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। ये तुम्हारे लिए। अमन, इट्स सो ब्यूटीफुल। आपने मम्मी के लिए इतनी महंगी बैंगल लाए और मेरे लिए खाली 100 रुपीस की डॉलर नोट्स है। क्यों, आप ही को तो चाहिए थी। अबे, मेरे को मम्मी की जैसा बैंगल चाहिए। हम एक काम करते हैं, आपकी जो डॉल है ना और मेरी ये बैंगल, हम दोनों शेयर करते। गिव मी 5। हीरो में लास्ट वन दे रही हूँ। मैं और मम्मी के बीच में पॉलिटिक्स नहीं चाहिए।